हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे लाइट रूम येलो टोन रिटचिंग करना। अगर आप भी करना चाहते हैं इस तरह रिटचिंग तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइट रूम एप्लीकेशन में अपनी फ़ोटो को ऐड कर लेना है, उसके बाद लाइट्स पर चलना है और यहाँ से कॉन्ट्रेस्ट को कम कर लेना है, डिक्रीज करके 30 पर कर लेना है। लाइट को कम करना है, शेडो को बढ़ा लेना है 60 तक और वाइट्स को भी बढ़ा लेना है 40 तक बढ़ा लेना है और ब्लैक्स को कम कर देना है। अब कलर वाले टूल पे चलना है और यहाँ से टेम्परेचर को बढ़ा लेना है, इसे 11 तक कर लेना है और टिंट को डिक्रीज कर लेना है 15 तक। वाइब्रेंस को बढ़ा लेना है कुछ 16 तक बढ़ा लेना है। और अब ऊपर मिक्स वाले टूल पे चलना है, यहाँ पे ब्लू कलर पे जाना है, इसका ह्यू कम कर लेना है और सेचुरेशन को बढ़ा लेना है और लुमिनेंस को थोड़ा कम कर लेना है। अब साइड पर ब्लू कलर आ रहा है तो उसको कम करने के लिए इसे अगले वाले कलर पे जाना है और इसके सेचुरेशन को पूरा डिक्रीज कर देना है और लुमिनेंस को बढ़ा देना है, तो साइड पर से जो कलर है एक्स्ट्रा वो चला जाएगा। अब ब्लू के लेफ्ट साइड वाले कलर पे जाना है, इसका सेचुरेशन बढ़ा लेना है 40 तक और लुमिनेंस को भी 35 तक बढ़ा लेना है। अब ग्रीन कलर पे जाके इसका ह्यू पूरा डिक्रीज कर देना है, सेचुरेशन को बढ़ा लेना है और लुमिनेंस को भी बढ़ा लेना है। इसे देखिए येलो टोन आने लग गई। अब येलो कलर पर चलना है, इसके ह्यू को माइनस में कर लेना है थोड़ा, सेचुरेशन को बढ़ा लेना है और लुमिनेंस को थोड़ा कम कर लेना है। अब ऑरेंज कलर पे चलना है और यहाँ से लुमिनेंस को 80 तक बढ़ा लेना है और सेचुरेशन को थोड़ा कम कर लेना है 10 तक, इससे हमारी स्किन पर ग्लो आ जाएगा। और अब इफेक्ट वाले पे चलना है और क्लियरिटी को बढ़ा लेना है 40 तक और विगनेट को थोड़ा कम कर लेना है ताकि एजेस डार्क हो जाए। अब अगले टूल पे चलना है और यहाँ से साफ़नेस को इंक्रीज कर लेना है, फ़ोटो साफ दिखने लगे ताकि। अब फिर से कलर वाले टूल पे चलना है और यहाँ से ग्रेडिंग पे चलना है, यहाँ सबसे पहले शेडो के एडजस्टमेंट पे जाना है, इसका सेचुरेशन बढ़ा लेना है ताकि कलर्स पता चल सके और इसके ह्यू को येलो कलर पे रखना है ताकि येलो टोन आ सके शेडो में। सेचुरेशन को फिर से कम कर लेना है 13 तक। और अब चलना है हाईलाइट पे, हाईलाइट के कलर को ब्लू से थोड़ा लेफ्ट में रख लेना है और इसके भी सेचुरेशन को 10 तक रख लेना है। और अब चलना है लाइट्स वाले ऑप्शन पे फिर से और यहाँ से चलना है कर्व टूल पे और ब्लू कलर को सेलेक्ट करना है, ऊपर वाले डॉट को सेलेक्ट करके इसे थोड़ा नीचे कर देना, इससे येलो टोन अच्छी तरह आ जाएगी स्किन पर भी। और अब चलना है ऊपर सेलेक्टिव टूल पे जो कि हमारा लास्ट स्टेप है और यहाँ से लाइन वाले सेलेक्टिव को सेलेक्ट करना है और नीचे से सेलेक्ट कर लेना है और इसके एक्सपोजर को कम कर देना है और क्लियरिटी को बढ़ा लेना है, इसे कर देना है डन। हमारी फ़ोटो हो चुकी है रिटचिंग, फ़ोटो में एक मस्त येलो टोन आ चुकी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।